रेडियो हिंदुस्तान। कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना लाइव अपडेट। ओडिशा ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। पीएम मोदी जी ने जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया है। 3 जून 2023 चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10-12 डिब्बे पटरी से उतर गए और यशवंतपुर से दूसरी ट्रेन के रास्ते में बगल ट्रैक पर गिर जाने से कम 288 लोग मारे गए और 900 से अधिक घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहत कार्य में लगे लोगों से बातचीत की और ओडिशा के बालासोर जिले के ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बालासोर के एक अस्पताल का भी दौरा किया और घायल पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार घायलों के इलाज के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। बचाव अभियान द्वारा पटरी से उतरे रेलवे डिब्बों में फंसे लोगों को निकालने का कार्य चल रहा है। इसे हाल के दिनों में भारत में सबसे घातक ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने का आदेश दिया है। मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए राशि देने की घोषणा की है। ओडिशा ट्रेन हादसे के कारण लगभग 48 ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं, जिनमें ज्यादातर दक्षिणी और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में थी, जबकि 39 को डाइवर्ट कर दिया गया है। 10 को ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को 3 ट्रेन दुर्घटना के बाद समाप्त कर दिया गया है। 2 जोन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे ने 3 जून से शुरू होने वाली चेन्नई हावड़ा मेल, दरभंगा कन्याकुमारी एक्सप्रेस और कामाख्या LTT एक्सप्रेस भी रद्द कर दी है। ओडिशा के बहानगा गांव में 1 दशक पुराने हाई स्कूल को अस्थायी मुर्दा घर में बदल दिया गया है। रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस वक्त ट्रैक मरम्मत का काम चल रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ओडिशा ट्रेन हादसे में दुनिया के नेताओं ने भारत को दिया समर्थन, जान माल के नुकसान पर जताया शोक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सहित विश्व के नेताओं ने दुर्घटनाओं में से एक पर परिवारों और भारत सरकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे मित्रों, अब अनुमति देऊंगा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी बाकी के खबरों के साथ। तब तक कहते रहें जय श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।